रहे हैं। देखो जब भी बाबू नंबर के लास्ट में फाइव है, मतलब दोनों सेम ही नंबर है, 15 15 बाबू 45 45, तो इस तरह से सात आठ को नंबर बनेगा, 95 95 तक जाएगा, 95 90। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे बाबू क्या 55 मल्टीप्लाई 55 है ना, बहुत इसका यूज होता है बाबू, 21 बाबू 65 मल्टीप्लाई 65 है। ठीक है, ठीक है सर, अगर इस तरह के रहेंगे बाबू, इस तरह के रहेंगे तो इसको कैसे करना है, और लिखिए देते 95 तक लिखिए देते बाबू, है ना। चलो पहले समझा देते, आप लोगों को बेचैनी हो रहा है, पहले इसको साइड साइड से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 25 होगा, तो 25 का 25 लिख देना। ठीक है, ठीक है सर, और जो यहाँ नंबर है उसमें एक इंक्रीज कर देना, तो 1 में एक इंक्रीज करो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना, 2 हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया, देखो आगे समझो, हमने क्या बोला बाबू कि ये दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 टोटल का टोटल लिख दो, और यहाँ दो दो है ना बाबू, तो दो में बाबू किसी एक में एक इंक्रीज कर दो, तो दो में एक प्लस ऐड कर दो 3 हो जाएगा, एक में करोगे तो बाकी क्या बचेगा, 2, तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको बाबू बिना कॉपी पेन का भी कर सकते हो, नहीं समझ में आया आगे समझो, हमने क्या कहा बाबू कि 5 मल्टीप्लाई 5 कितना, इसको 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 25 होगा, 3 है तो 3 को एक बढ़ा दो, तो 3 को एक बढ़ाओगे 4 हो जाएगा, अब 4 मल्टीप्लाई 3 कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, इसको इसको समझो बाबू, हमने क्या बोला कि 5 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 25 हो जाएगा, यहाँ 4 है ना बाबू, इसको एक बढ़ा दो तो 5, अब 5 मल्टीप्लाई 4 कितना, 20। तो इसको बाबू ये सबको मैंने बिना कॉपी कलम उठा के करना, अपने मन से करना, आप लोग राइट डाउन कीजिए, रेस्ट कीजिए, राइट डाउन कीजिए, रेस्ट ऑफ क्वेश्चन कीजिए जल्दी से बिना कॉपी के, अब ये सब में कॉपी किताब की जरूरत ही नहीं है। 22 नंबर बाबू, ये सब जब भी पूछे बाबू तो काफी लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, ये जो 25 से आ रहा है 56, समझ आया सर ना, यस सर, हाँ बाबू, ये सब बाबू इसी तरह से मुझबानी करना मल्टीप्लाई, तो आप लोग मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं पढ़े हुए, सोचियो बताओ बाबू बच्चा से क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हमको पता नहीं है, खाली वही बच्चा में लगा रहते बाबू सिलेबस आपको, आप लोग लिखे हम इंक डाल रहे हैं बाबू, इंक मेरा फिनिश हो गया सर, इसे अभी करना है, होमवर्क है, अरे एक मिनट में कर लो ना, कौन सा होमवर्क के पीछे पड़े हो, अभी कर लो फटाक से, नहीं सर मैंने कर लिया, वेरी गुड बाबू, बच्चे हमारे सभी मन के सच्चे हैं, आप लोग का मन तो पूर गया ना बाबू, पेमेंट अपना अपना जिसका जिसका बुक चल गया बाबू, बुक का पेमेंट नहीं किया है ना, तो साथ में भी कर दीजिएगा, जिसको जिसको बुक सेंड किया था ना बाबू, उनका उनका नहीं हुआ वो साथ में भी कर दीजिएगा बुक का, हमको ध्यान नहीं कौन आया नहीं आया। आदित्री आपके पास बुक पहुंच गया ना बाबू, आदित्री बाबू यस सर मेरे पास पहुंच गया है, हाँ बाबू, तो इस मंथ का पेमेंट हुआ होगा, अगर बुक का कर दिए होंगे तो ठीक है, नहीं किया होंगे तो अपने मम्मी पापा को याद दिला दीजिएगा, है ना, फिर बुक का तो बुक का प्लस कुरियर का प्राइस आपको भेज दिया था, वो सभी को प्रसारित कर दिए थे, आपके पास भी बुक क्या पहुंच गया ना जानवी, हाँ सर, हाँ बाबू चलिए, आदित्री हो गया, जानवी हो गया, हाँ बाबू सर आप वहाँ 70 नंबर में 5 ना लिखिएगा तो आप 6 लिख दिए हैं, 70 नंबर में 20, अरे 3 × 2 बाबू 6 हो जाएगा ना, है बाबू 2 ना है ऊपर, हाँ 2 है, 2 × 2 = 4 और प्लस 1 नहीं बाबू, 2 में एक वैसे नहीं बाबू, 2 में एक बढ़ाएंगे 3 या 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए ठीक है, नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, है ना, तो ये सब कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना वो तो इसमें सोचना नहीं, जैसे 85 85 तो 5 5 25 सारा 8 को 1 से बढ़ा दो तो 9 हो जाए, 9 8 = 72 तो 7 2 2 5, 95 95 पूछेगा क्या, 25 और 90 9 0 2 5, है ना बाबू, तो इस समय सोचना है, इस समय तुम कंप्यूटर की तरह तेज होना, कंप्यूटर की तरह, कंप्यूटर में टाइपिंग लगे, आपको टाइपिंग करने की जरूरत नहीं, समझी प्रखर, यस सर, और आप आ रिया, यस सर, रिया बाबू समझे,
रिया, रिया बाबू नहीं बोलेगी? यस सर। चलिए ठीक है बाबू, वेरी गुड बाबू। और क्या वो विश्वास तो चल गया ना, विश्वास का लगता नेटवर्क इशू था, वो इशू स्टूडेंट टिकने वाला नहीं है। एक और कौन गया बाबू? चलिए ठीक है, टिकेगा तब ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप बाबू। कितना हो गया सर? 24 नंबर हो गया। बताओ तो जानवी शर्मा, शर्मा बाबू इसका कितना आंसर आएगा? जानवी शर्मा बताओ तो। 23 का 7225। हाँ बस इसी तरह लगे रहना। नेक्स्ट 25, 25 बाबू। ठीक है देखो वो क्या करेंगे, अगर सिर्फ खाली आपको क्या रहे बाबू, वन वन रहे, वन वन रहे, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे बाबू वन मल्टीप्लाई बाबू वन रहे, है ना? ठीक है, सिर्फ खाली आपको वन मिला, सेम नंबर आप मिले बाबू, नंबर क्या रहे, सेम रहे, तो इसको काउंटिंग करना रहता है। क्या करना रहता है? काउंटिंग करना, मतलब क्या सर, कितना वन है सर? दो गो वन है, तो दो गो वन है तो वन से टू तक काउंटिंग करो, वन टू हो गया, फिर बाबू क्या करो, और उसके बाद क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो टू के बाद घटाओ बाबू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, 121 होता है। नहीं समझ में आया, अगला में समझो, अगला में समझो। 111 मल्टीप्लाई बाबू 3 टाइम्स 1 है। ठीक है, तो जब बाबू गुड इवनिंग बाबू, हाय आप ना, आपका गुड इवनिंग होगा, बढ़िया बात है। ऐसी लेट से आए, अंतिम से आइए आप लोग, अंतिम से टॉप एग्जाम में भी अंतिम से टॉप लीजिएगा। सर मार्केट चले गए थे सर, कोई जरूरी काम से। हां बाबू, हां बाबू, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ठीक है बाबू, वन क्या बाबू, वन वन है मतलब 111 है सर, मल्टीप्लाई 111, तो कैसे करो, कितना टाइम्स वन है बाबू, 3 टाइम्स है, तो काउंटिंग करो, 3 है ना, मतलब लिखो 1 2 3। ठीक ठीक है सर, और इसके बाद डिक्रीजिंग में लिख देना, तो 3 का 1 घटाओ कितना, 2 1, है ना बाबू? ठीक है सर, नहीं समझ में आगे समझो, आगे समझो। जैसे बाबू 4 को अगर 1 रहेगा, मल्टीप्लाई बाबू कितना रहेगा, 4 टाइम्स 1 रहेगा, तो कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 है ना बाबू, तो 4 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4, फिर इसको घटते हुए और सर ये स्क्वायर में बताए थे सर, सुबह वाले बैच में। हाँ बाबू स्क्वायर में बताया, हाँ बाबू स्क्वायर में बताया, इसको फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो 3 2 1, है ना? ठीक है सर, 28 नंबर सर, 28 नंबर। जैसे बाबू कितना, 5 टाइम्स 1 है, और ये भी बाबू 5 टाइम्स 1 है ना, तो कैसे करो बाबू, 5 गुना 1 है, तो 5 तक काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5, फिर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटाओ, तो 4 3 2 1, है ना? ठीक है बाबू, किसको किसको समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया कुछ? चलिए ठीक है बाबू, तो समझ में आ गया। हाँ बाबू इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि समझ में आ ही जाएगा, बेसिक क्या चीज बताते हैं बाबू, आप लोग को यही सब आज तक नहीं पढ़ाया गया। नेक्स्ट बाबू सर, अगर 6 को रहेगा तो 6 तक काउंटिंग करें, आप राइट डाउन करो, राइट डाउन करो शैतान, राइट डाउन करो बाबू, 6 है सर, तो 6 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, एक और सर 30 हो जाएगा सर, 1 1 1 1 1, 2 4 6 7, मल्टीप्लाई बाबू 1 1 1, 5 6 7, सात को बाबू, तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1, काउंटिंग है तो करना है। चलिए बाबू, तो ये बाबू मल्टीप्लिकेशन का बेसिक कंसेप्ट था, ऐसा गया कौन है, विश्वास गया होगा सर? हम हैं सर। हाँ बाबू आप हो ना, रिया, जानवी, प्रखर, आर्या भागे, आर्या गई, समझ में आ रहा है सानवी? अच्छा सानवी समझ में आ रहा है, मोबाइल वर्क नहीं कर रहा है। चलिए वो लिखिए जल्दी से। हाँ बाबू वेरी गुड बाबू, एंजॉय करके पढ़ना है, कूल बैच है बाबू, सी फॉर बैच ये सी है, तो सी फॉर कूल बैच है, प्रेशर लेकर पढ़ना ही नहीं है। तो ये बाबू क्या था, सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन था, है ना बाबू? ठीक है सर, ठीक है सर,
नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट, अभी आप देखो अभी आपको हमने क्या क्या खत्म किया, एडिशन खत्म किया, तो एडिशन में क्या सिंपल नंबर का एडिशन, फिर डेसिमल नंबर का एडिशन, फ्रैक्शन का एडिशन, इतना बताया ना बाबू है ना, फिर सब्ट्रैक्शन बताया, तो सिंपल नंबर का सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन का, फिर डेसिमल का बताया, अब क्या चल रहा है टॉपिक का, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है ना, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे बाबू है ना, अब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाबू 41, तो मल्टीप्लिकेशन में लगभग इसी तरह से क्वेश्चन होंगे बाबू। चलो थ्री डिजिट वाला, हाँ अभी थ्री डिजिट वाला बाकी, अब थ्री डिजिट वाला बताते हैं बाबू। 31 हो गया, थ्री डिजिट का बताते हैं। थर्टी वन से बाबू, 31 से जैसे क्या सर, 1 2 1 है सर, और मल्टीप्लाई सर 1 2 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है एक लाइन का, ठीक है ठीक है सर। देखो कैसे करना, कैसे करना, थोड़ा दूर में लिखते हैं तब आपको अच्छे से विजुलाइज होगा। दो डिजिट का हो गया बाबू, थ्री डिजिट का पढ़ते, थ्री डिजिट का पढ़ते है ना, क्या सर 1 2 1 है सर, और 1 2 1 है, एक तो बचपन में कर भी किए होगे बाबू, बचपन में कैसे किए होगे, ऐसे ना किया होगा बाबू, 1 2 1 है सर, 1 2 1 है, ये 1 हो गया सर, और ये कितना हो जाएगा सर, 1 2 1 हो जाएगा सर, इधर से करोगे बाबू तो कितना 2 हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा सर, और फिर 2 हो जाएगा सर, फिर 1 2 1 हो जाएगा सर, इसको ऐड करोगे सर 4 हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा, इतना जाएगा है ना, ठीक है सर, अच्छी बात है। देखो अब इसको कैसे करना है, सीखो सीखो इसको कैसे करना बाबू, साइड साइड से मल्टीप्लाई करो, जैसे दो डिजिट में क्या वैसे उसी 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 तरह करना, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा डिजिट है तो ज्यादा कंसेप्ट लगाना, तो 1 मल्टीप्लाई 1 व्हाट वी गेट बाबू 1, ठीक, इसको इससे करो, इसको इससे करो, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना 2, अब प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2, अरे सैतान 1 मल्टीप्लाई 1 1 लिखते हैं, 4 होगा, 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 2 आएगा, इधर इसको क्रॉस करो 2 मल्टीप्लाई 1 2 2 पर क्रॉस क्रॉस करके बाबू उसको ऐड कर देना, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट नेक्स्ट समझो नेक्स्ट समझो, इतना इतना तक तो था दो डिजिट वाला ना, अब आगे समझो, फिर यहाँ बाबू यहाँ से यहाँ इसको पकड़ो, और यहाँ से यहाँ इसको पकड़ो, और यहाँ से यहाँ इसको पकड़ो, 1 मल्टीप्लाई 1 व्हाट वी गेट बाबू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना 1, और ये 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4 होगा, ऐड कर दो तो 4 और 2 6 6 हो गया, ठीक, शांति से सुनो शांति से समझो, दोबारा बाबू दोबारा बताएंगे, लेकिन एक बार में शांति से सीख लो, ठीक है। मतलब पहले हमने क्या किया सर, सबसे पहले आप सोचो सोचो कैसे, खाली प्रोसेस स्टेप्स याद रखना, सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर, उसके बाद क्या इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी करेंगे ऐड कर देंगे, फिर हमने क्या किया वो यहां से इसको लिए सर दूर दूर, यहां से दूर दूर, यहां से ये, तो इसको मल्टीप्लाई किया सर, इसको मल्टीप्लाई किया सर, और इसको मल्टीप्लाई किया, तीनों को ऐड कर दिया, ठीक यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट बाबू फिर इसको करो मल्टीप्लाई, और इसको मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना 2, 1 मल्टीप्लाई 2 कितना 2, और 2 प्लस 2 कितना 4। अब बच बाबू लास्ट में क्या बच गया, लास्ट में क्या बच गया सैतान, लास्ट में क्या बच गया बाबू, इधर से इसको कर दो, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ, तो 1 4 आया कितने बाबू, 1 4 6 4 1 आया ना, राइट डाउन करो बाबू, देखो आप लोग स्टेप्स कैसे लिखोगे, ये हो गया बाबू, फिर डिसकलर करके लिखना, सेकेंड स्टेप्स ये है बाबू है ना, ठीक है, तो ग्रीन कलर रेड, कलर रेड है अंक बाबू, ग्रीन कलर ग्रीन डिजिट, ऐसे समझो, ठीक। नेक्स्ट बाबू ब्लैक वाले में कैसे करेंगे सर, ये ब्लैक यहाँ से इसको सर, यहाँ से इसको सर, और यहाँ से इसको, तो ब्लैक में 6 है बाबू, तो 6 करके 6 हो गया। नेक्स्ट बाबू अब रेड बच गया, रेड लास्ट वाला बाबू, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना बाबू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, ऐड कर देना, तो ये रेड हो गया बाबू, और लास्ट में बाबू ग्रीन कर देते हैं, तो 1 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। चलिए लिखिए बाबू, हम समझाते हैं फिर से, एक बार लिखिए आप लोग अपने से कोशिश कीजिए, तो फिर समझाते हैं। समझ में आया प्रखर,
नहीं सर, नहीं नहीं आया। अच्छा ठीक है, लिखे समझाते हैं फिर से। संजना समझ में आया बाबू? नो सर, नहीं आया। अच्छा ठीक है, पर फेयर कर रही हो? यस सर। चलिए ठीक है, लिखे बाबू, बताते हैं बताते हैं। फिर से एक क्वेश्चन बताते हैं। अभी समझ में अच्छा ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। लिखिए हम बताते हैं, फिर से एक बार बताते हैं, फिर से बताते हैं, समझाएंगे दम लेंगे बाबू, जब तक नहीं समझो नहीं छोड़ेंगे। सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शैतान, आपका तो बढ़िया से बड़ा अच्छा टॉपिक छूट गया बाबू। इसका भी आप वीडियो आप लोग आप देख लीजिएगा शर्मा जी, आपका बहुत जरूरी था, बोल रहे थे कैसे मल्टीप्लाई होगा कैसे होगा। ठीक है सर, देख लूंगा। हाँ बाबू जल्दी लिखे शैतान, देखिए बताते कैसे करना मल्टीप्लाई तीन डिजिट का। देखो बाबू इसी क्वेश्चन को एक बार और बताते हैं, शांति से समझो, सभी मिलकर समझिए। संजना भाग गई तो फिर आएगी तो कहेगी सर हम नहीं समझे। 1 to 1 है बाबू और 1 to 1 है, इसको मल्टीप्लाई करना है वन लाइन में। ठीक है देखो सब मिलकर समझो, सब मिलकर समझो, लिखना बाद में, लिखना बाद में, ठीक है ना। सभी मिलकर बोर्ड देखिए, सनवी अदिति जानवी सब, यस बाबू रिया मौर्या सब देखो। यस सर। चलो देखो ये पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 1 multiply 1 कितना आएगा सर? 1 आएगा, तो 1 आएगा तो 1 लिखो। ठीक बाबू कलर चेंज करते हैं, फिर इसको करो 1 multiply 2 कितना आएगा सर? 2 आएगा, और ये बाबू 2 multiply 1 कितना आएगा? 2 आएगा, है ना। ठीक है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 multiply कितना? 2 हुआ, 2 multiply 1 कितना हुआ? 2 हुआ, तो 2 plus 2 कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 4 के 4 लिख दिए। ठीक ठीक सर, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। फिर दूर वाले, दूर वाले इसको इससे सर और इसको इससे सर, दूर दूर में, दूर दूर में, यहाँ 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 का दूर यहाँ, और ये सामने सामने को सामने में, 1 multiply 1 कितना होगा सर? 1 होगा, 1 multiply 1 कितना होगा सर? 1 होगा, और ये 2 multiply 2 कितना होगा? 4 होगा, सारे सारे को ऐड कर दो, 4 2 कितना होगा? 6 होंगे। नेक्स्ट मतलब मतलब पहले 2 digit मल्टीप्लाई करना, फिर 4 digit मल्टीप्लाई करना, फिर 6 digit मल्टीप्लाई करना। ठीक नेक्स्ट बाबू आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। फिर बाबू इसको इससे 1 multiply 2 सर, 1 multiply 2 सर, 2 सर, 1 multiply 2 और फिर इधर 1 multiply 2, तो 2 plus 2 कितने सर? 4 सर, 4 लिख लो। लास्ट स्टेप 1 multiply 1 व्हाट वी गेट सर? 1 सर, तो 1 मुझे आंसर। एक क्वेश्चन और बताते हैं जिसको नहीं समझ में, वो एक क्वेश्चन और बताते हैं। समझी जानवी? थोड़ा सा जानवी, थोड़ा सा समझी बाबू? यस सर समझी। आप जानवी दास बाबू, जानवी उड़ीसा? यस सर समझ गई। वाह एक क्वेश्चन और बताते हैं, उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। यस सर आगे समझ। आगे बाबू तो जिसको नहीं आया वो एक बार और समझिए, है ना। सर ये 3 digit वाले नंबर पढ़ने के लिए है क्या? हाँ बाबू ये 3 digit वाले के लिए है, 2 digit वाला के लिए बता दिए बाबू, है ना। 2 digit का थोड़ा सा ज्यादा आ गया है, 2 digit में क्या है, 2 ही स्टेप करते हैं इसमें, थोड़ा सा 3 digit रहते हैं, 1 स्टेप आप करो, है ना सर। तो लोग किसी भी 3 digit नंबर को कर सकते हैं? हाँ 3 digit में किसी भी नंबर को 3 digit के साथ कर सकते हो, फिर आप वो 3 digit में 2 digit के साथ बताएंगे, है ना। 2 का 2 हो गया, है ना, 1 digit का जानवे करो मल्टीप्लाई 9 multiply टेबल पढ़ना रहता है, 2 digit से 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, 3 के साथ 2 कर देंगे, 3 के साथ 1 digit कर देंगे, हो जाएगा। एक और समझाते हैं, 32 नंबर, जैसे क्या बाबू? 1 3 2 बाबू और 1 बाबू 2 मान लो 1 है, या 2 2 ले लो, कुछ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करना, देखो शांति से देखो, शांति से देखो, शांति से देखो, है ना, शांति से देखो। इसको इरेज करते हैं, हौच पौच हो जाएगा बाबू, एकदम स्थिर से देखना, स्थिर से देखना, मन से पढ़ना, स्थिर से देखना, टाइम पे आना, बाजार नहीं जाना, थोड़ा घूमने पे कम ध्यान देना। क्या है सर? 1 है सर,
थ्री है सर, टू है, वन है सर, टू है सर, टू है, कितना नंबर है सर, 32 नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब सुनो, सीखो, सब सीखो, मन से सीखो, है ना बाबू, सीखिए दित्री, इधर 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 करना, टू मल्टीप्लाई टू कितना आएंगे सर, फोर आएंगे, तो जो आएंगे वो लिख देना, कैरी नहीं ना बाबू, फोर में क्या कैरी रहेगा, दस से ज्यादा रहेगा, टेन से ज्यादा रहेंगे तब ना कैरी होगा, ठीक होगा। इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करना, कलर चेंज कर देते हैं, पैसा वसूल पढ़ाई तो पढ़ते बाबू। थ्री मल्टीप्लाई टू बाबू कितना होंगे सर, थ्री मल्टीप्लाई टू कितना होंगे, सिक्स होंगे, और टू मल्टीप्लाई टू कितना होंगे, फोर होंगे, इसको ऐड कर देना, यहाँ से इसको क्रॉस करना, इसको क्रॉस करना, दोनों को ऐड कर देना, सिक्स प्लस फोर कितना होंगे सर, टेन होंगे, तो टेन में कितना जीरो लिखो बाबू, कैरी वन होगा, ध्यान देना कैरी क्या आया, वन आया, ठीक। नेक्स्ट स्लो मोशन में दम पढ़ो, एकदम स्लो मोशन में पढ़ो, हकबकाने की जरूरत नहीं है, दूर दूर में आ जाओ, वन मल्टीप्लाई टू सर, वन मल्टीप्लाई टू सर कितना होंगे, टू होंगे, फिर वन मल्टीप्लाई टू सर कितना होंगे, टू होंगे, फिर ये थ्री मल्टीप्लाई टू सर कितना होंगे, सिक्स होंगे, इसको ऐड कर दो, टेन हो जाएगा। अब कैरी एक पीछे था तो टेन अब प्लस टेन हो गया, और एक पीछे कैरी था, टेन प्लस वन कितना हो गया सर, इलेवन हो गया, तो इलेवन में हम लोग वन ही लिखेंगे, वो वन लिखेंगे, कैरी क्या बचा सर, वन बचा। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ, एकदम बच्चे की तरह पढ़ा रहे हैं, इसको इससे करो, वन मल्टीप्लाई टू सर, टू सर, वन मल्टीप्लाई थ्री सर, थ्री सर, थ्री टू फाइव सर, पीछे से एक कैरी आया सर तो सिक्स हो गया, फाइव प्लस वन कितना हो गया, सिक्स हो गया, सिक्स हो गया। नेक्स्ट बाबू इसको इससे कर दो, तो वन मल्टीप्लाई वन, वन मल्टीप्लिकेशन इतना होगा, समझे संजना? यस सर। चलिए बाबू, तो इसी तरह बाबू तीन डिजिट का मल्टीप्लाई इसी तरह से करना है ना, एक लाइन में। अब इसमें जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका आंसर आएगा, है ना? और ये होता होगा फन, और ये सब कहाँ भाग गया हमारे सानवी, वीडियो बंद भी बंद की थी का? Yes, sir. समझे बाबू? देखिए कल लिखिए बाबू, लिखिए लिखिए। तो और भी आपके जो सब फ्रेंड है उनको कब आएगा बाबू, फिर नया बैच आप लोग के लिए पूरा आसान भी, आपका फ्रेंड सब कोई नहीं बाबू, खाली जानवी है फ्रेंड है, बाकी सब दोस्त सब कहाँ चल गए आप लोग के, हमको आपको फ्रेंड से मिलाने का, हम 50 फ्रेंड से मिलाएंगे, आप लोग का फ्रेंड अच्छे फ्रेंड नहीं है बाबू। चलिए यस, समझ में आया यस बाबू? यस बाबू, यस, ये तो पढ़वे नहीं करता। देखो विश्वास, विश्वास के मम्मी से बात करना पड़ेगा, क्लास सही से प्रॉपर ढंग से कर नहीं रहा, विश्वास नहीं कर रहा प्रॉपर ढंग से क्लास, एक रिया का गड़बड़ आ जाता है और यस का गड़बड़ आ जाता है, तीन वो शैतान प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहा। अब बोलिए जान, मैं तो रोज आती हूँ। हाँ नहीं रिया आप ठीक करते, आप ठीक, वो आ रिया कौन बोल रहा था, बोलिए बाबू, जानवी आप बोल रही थी, बोलो सर मेरा एक डाउट है। क्या डाउट है बोलिए ना बाबू जानवी। सर आपने जो पाइप वाला बताया था मल्टीप्लाई करने में, सर उसमें अगर सेम नंबर होगा तो ही कर सकते हैं? हाँ बाबू दोनों सेम रहेगा तभी करना, अलग रहेंगे तो मत करना, गलत हो जाएगा। सर अगर ऐसा होगा 85 × 95 तो नहीं होगा? नहीं होगा बाबू, 85 × 95 नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि बाबू इसमें किसको बढ़ाओगे, एक बढ़ाओगे गलत हो जाएगा, सेम रहेगा 95, इसलिए उतना ही एग्जांपल है, वो जो तरीका बताएं बाबू है ना, 25 × 25 = 90, ये दोनों सेम रहेगा तभी करना, नहीं तो नहीं करना, है ना बाबू? ठीक है जानवी, चलो अच्छी बात है, ऐसे बहुत आते हैं बाबू, बहुत यूज होंगे आपका भी होल लाइफ में, जो कभी 45 × 45 ये सब सोचना नहीं है, 25 × 25 सोचने नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए बाबू, आप लोग बनाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, कल हम लोग मल्टीप्लिकेशन को आगे पढ़ेंगे माइनस उन्नीस वाला ला के पढ़ेंगे ना, माइनस वाला ला के पढ़ेंगे ना, 33 नंबर से था 142 बाबू, 141 इसको मल्टीप्लाई करना,
अब मान लो बाबू कैरी आ रहा है, तो कैरी बाबू मान लो कहीं 102 आ गया, तो 102 में क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 10 का 10 कैरी कर देना, मतलब 10 से जैसे बाबू मान लो 22 कैरी आ 22 आता तो 2 लिखते हो ना, 2 कैरी जाता है। अगर मान लो 100 में आ गया जैसे बाबू 135 आ जाएगा, तो 135 में क्या 5 लिखोगे, 13 को क्या कर दोगे, कैरी कर दोगे, सिर्फ यूनिट डिजिट वाला लिखना, बाकी सबको क्या कैरी में कर देना। 34 नंबर 172 बाबू 183 सर ये सब होमवर्क है। हाँ ये सब होमवर्क है, अभी 6 बजे से क्लास है ना, तो ये सब होमवर्क है। 35 नंबर बाबू 163 बाबू 145 ये सबको शॉर्टकट तरीके से करना है, बना के लाना है। 183 173 5 कर दो, इतना ही करो। अरे दो डिजिट वाला बाबू, दो डिजिट वाला तो भूल जाओगे। 37 नंबर 79 70 हाँ बाबू ये DIY बाबू, डू इट योर सेल्फ है। 38 नंबर बाबू 87 85 बस इतना ही करो। जी कहाँ ज्यादा क्वेश्चन दिए, 2 4 6 को तो दिए, मुश्किल से कितना लगेगा, रहने दो ना, ज्यादा ना, 6 क्वेश्चन है बाबू, तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, तो 6 मिनट लगेंगे, ठीक है, मुश्किल 6 मिनट का होमवर्क है, ज्यादा देर में। हाँ बोलिए बोलिए ना जानवी बाबू। सर मेरे साथ तो 30 क्वेश्चन देते हैं हम, उतना आप बच्चे, अभी हम बच्चे पे बर्डन नहीं देते बाबू, नया नया बैच में कम बर्डन देते हैं, धीरे धीरे आएगा ना होमवर्क का पहाड़, अभी आप लोग को दे दें, एक बार दे देंगे तो भागिए जाओगे। अभी धीरे धीरे, अभी कूल बैच है, C4 कूल बैच, आराम से इंजॉय करके पढ़िए, ठीक है बाबू, लिखिए जल्दी से, एंड करेंगे 6 बजे से क्लास है बाबू। सर एंड कर दीजिए, लिख लिए, ठीक है जानवी, बना के लाइएगा जानवी अदित्री। यस सर मैं भी बना के लाऊंगी। ठीक है बढ़िया, ठीक है, तो जिनका जिनका बाबू पेमेंट बाकी इस मंथ का, आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा, बाकी रिया के मम्मी से बतियाना है ना बाबू।